सते नमः ओम नमः शिवाय। सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं जो वीडियो बनाने आई हूँ उसका एक ही उद्देश्य है कि 9 तारीख को है अमावस्या, 9 तारीख को अमावस्या है और जिनके घरों में पितरों का दोष है, नेगेटिविटी है, वो लोग अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करें और 3 अंजुली हाथ में लेके तर्पण करें अपने पितरों के नाम से। देखिए, ये पितरों का जो योग आया हुआ है ना, ये मैं आपको बड़े स्पष्ट होके बताना चाहती हूँ कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या बच्चे या अनमैरिड जो भी गुजरे होते हैं वो हमारे पितर बन जाते हैं। अगर तो हमारे पितर आत्मा तृप्त गुजरे हैं, खुशी खुशी गुजरे हैं, तो वो आज अमावस्या के दिन, जब 9 तारीख को अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन वो आपको आकर आशीर्वाद देते हैं और आपके दिन खुशहाली के बीतते हैं। और जौन से माता पिता, बहन भाई, बहू बेटी अशांति से गुजरे हैं, दुखी होके गुजरे हैं, तो अमावस्या पे तो सारे पितर आते हैं। फिर वो क्या करते हैं ये आप लोग खुद समझते हो कि नेगेटिविटी या हमारे बिजनेस में गिराव या हमारे को कार्य में सफलता ना होना, एग्जाम में पास ना होना, शादियों में बंधन लगना, यह सारे हमारे पितरों के दोष होते हैं। और जो नेगेटिविटी होती है वो तो आप सभी लोग जानते हो कि वह शरीर को तोड़ के रख देती है और ना वो जीने के लिए छोड़ती है, ना ही वो मरने के लिए छोड़ती है, और धीरे धीरे घुन की तरह हमारे घर को वो नाश करने लग जाती है। तो आज भी अगर लोग अपने पितरों को तर्पण देते हैं, 3 अंजुली जल देते हैं काले तिल डाल के, तो हो सकता है कि पितर हमें क्षमा कर दे, लेकिन आगे के लिए हमें अपने बुजुर्गों को कभी सताना नहीं चाहिए। क्योंकि ये कहावत है कि मरा हुआ कभी वापस ना आए, वो पीछे ना मुड़ के देखे, ये क्यों बोलते हैं, यह इसीलिए बोला जाता है। तो 9 तारीख को अमावस है, आप जो भी दान पुण्य भी करना चाहें दान पुण्य भी कर सकते हैं, गरीबों को खाना भी खिला सकते हैं और तर्पण तो करना बहुत जरूरी है।